जैसा कि हमने आपको दिखाया था पार्ट वन में, जो सामानें जहाँ लगनी तो वहाँ लग गई हैं। ये KUV 100 गाड़ी है। इसमें आपको दिखाई, देखिए यहाँ इसका रिफिलिंग वाला लगा है जहाँ से गैस भरते हैं। ये देखिए यहाँ से गैस डाली जाती है, ये रहा। तो इसका रेड्यूसर जिसे किट कहते हैं, ये लगा है, ये मीटर ये रहा यहाँ लग गया है। और आपको रिफिलिंग वाला दिखा देते हैं, ये रहा। और देखिए इंजेक्टर जो बता रहा था जिससे गैस जाती है, इंजन में ये लगा हुआ है, यहाँ फिक्स हो गया पत्ती पर अपनी जगह। तीन सिलेंडर गाड़ी इसलिए तीनों में लगा है, बस तीन में एक सिलेंडर में नहीं लगा। और इसका ईसीएम ये रहा यहाँ लगा हुआ है, ये देख लीजिए बिल्कुल फिक्स है। देख लीजिए वायरिंग बिल्कुल फिक्स, अपनी बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं, जैसे पता ही नहीं लग रहा इसमें कि बाहर से कोई वायरिंग हो रखी है। देखिए जैसे लग रहा है गाड़ी की वायरिंग और क्या आई है कंपनी से, वैसे वायरिंग कर रखे हैं। देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। और सामान आपको बताया था पाइप, देख लीजिए इसमें साफ दिख रहा है वहाँ से आया है। और ये रहा ईसीएम, इंजेक्टर ये रहा। और आपको दिखा देते हैं पाइप ये रहा, देख लीजिए इधर से कैसे कैसे पाइप लगी है। ये रहा रिड्यूसर। और आपको एक बार पीछे का भी दिखा देते हैं, जो अगले पार्ट में दिखाया था डिग्गी का। सिलेंडर बिल्कुल फिक्स हो गया, सीट भी लग गई है, पाइप भी लग गई इसकी। और ये देख लीजिए सिलेंडर, जगह पर इसमें नहीं बचती, आपको पहले ही बता दिया था जगह नहीं बचती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।